गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। आज मैं आप सबके साथ इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि हम अपने स्टॉक रिकमेंडेशंस, जो स्टॉक की हम देते हैं पर डे मॉर्निंग के अंदर, उसके ऊपर काम किस तरीके से करें और किस तरीके से हम रेगुलर प्रॉफिट कमाएँ। लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक बात समझाना चाहता हूँ कि देखिए, आजकल निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, पुट बाय कर लो, कॉल बाय कर लो, ये सब के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। वहाँ पर लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। वो बेसिकली दो मुही तलवार है। अगर आपका ट्रेंड बिल्कुल ठीक जा रहा है तो वहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और गलती से अगर आपने वहाँ पर गलत ट्रेंड के ऊपर आपने वहाँ पर ट्रेड ले लिया तो वहाँ पर आपका लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शंस बिल्कुल वॉलेटाइल होते हैं, और क्या कहते हैं, वहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल रहती है निफ्टी ऑप्शंस एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर। तो अगर कोई रिटेल ट्रेडर है जो कि प्रोफेशनल नहीं है, तो वहाँ पर उसके लिए प्रॉफिट कमाना रेगुलर बेसिस के ऊपर, ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस के ऊपर, कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर प्रॉफिट अर्न करने की, तो इस तरीके की सिचुएशन के अंदर जहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर डायरेक्शन का खेल है, वहाँ पर अगर रिटेल ट्रेडर्स प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह अपनी डायरेक्शन को कन्फर्म नहीं कर पाते अपने क्राइटेरिया बेसिस के ऊपर, तो वहाँ पर उनके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं, और मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन से ज़्यादा बिलीव करता हूं कि मैं स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करूं, और मैं करता भी हूं। स्टॉक्स एक ऐसा ऑप्शन है जो सदियों से चले आ रहे हैं, और ये डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उससे पहले भी लोग, जब से भी ये शेयर मार्केट शुरू हुई है तब से स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करते आ रहे हैं। लोग प्रॉफिट रेगुलर कमा रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जितने भी आप लोग देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हुए हैं, वो भी आज भी पुराने ज़माने से लेकर और आज भी करंट में उनका पोर्टफोलियो जो रहता है वो स्टॉक्स के बेसिस के ऊपर ही रहता है। वो प्रोफेशनल हैं, वो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई चीज़ दे सकती है तो वो स्टॉक्स दे सकते हैं। तो प्लीज़ अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं और आप कंसिस्टेंटली डेली बेसिस के ऊपर पैसा कमाना चाहते हैं, तो प्लीज़ स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए। स्टॉक्स एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इन कंपैरिजन टू डेरिवेटिव्स, जो कि आपको डेरिवेटिव से ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर दे सकते हैं। शर्त यह है कि आपको सही स्टॉक की समझ होनी चाहिए, सही स्टॉक की पहचान होनी चाहिए, और डेरिवेटिव से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाकर दे सकते हैं। ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ। मैं पर्सनल बेसिस के ऊपर स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ इन कंपैरिजन टू ऑप्शंस डेरिवेटिव्स, तो इसका बेनिफिट मुझे मिलता है। मैंने आज 40% के अराउंड प्रॉफिट किया, वो भी मैंने 3 स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग किया जो कि मैंने रिकमेंड भी किए थे आज, और 40% प्रॉफिट अच्छा होता है मैं आप सबको बता दूं। और मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट करता हूं। मैं केवल स्टॉक्स के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पर वॉलेटिलिटी आपके कंट्रोल में रहती है स्टॉक्स की, और वहाँ पर बहुत हाईली स्पीड से आपके प्राइजेस चेंज नहीं होते, और एक ट्रेंड वहाँ पर बरकरार रहता है कुछ टाइम तक। निफ्टी या बैंक निफ्टी की तरह नहीं होता कि 15 मिनट की कैंडल अगर आपके नीचे चली गई तो अगली 15 मिनट की कैंडल ऊपर जाकर क्लोज होगी, ऐसा स्टॉक्स के अंदर बहुत कम होता है। तो वहाँ पर पैसा कमाना आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए
कि वहाँ पर स्टॉक्स के अंदर पैसा कमाना डेरिवेटिव्स के रूप में बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर। याद रखिएगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप तभी बन सकते हो जब आप कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर प्रॉफिट कमाना शुरू करें। आप अगर, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि एक इंसान ने 20,000 रुपये कमाया डेरिवेटिव्स के अंदर किसी भी एक दिन, और उसका एवरेज बेसिस के ऊपर नेक्स्ट 19 दिन के अंदर उसका 1,000 रुपये मान लीजिए लॉस हुआ, तो उसका क्या कहते हैं, एवरेज क्या निकला? उसका एवरेज निकला 0, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है। लेकिन और वो ट्रेंड जो है इंडेक्स का वो पकड़ नहीं पाता, तो इस गलती की वजह से उसका एक दिन तो लक अच्छा काम किया, उसका ट्रेंड अच्छा पकड़ लिया एक दिन, तो उसने 20,000 रुपये कमा लिए। लेकिन अगर वो 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से अगर लॉस करना शुरू कर दे जस्ट बिकॉज के उसको ट्रेंड की समझ नहीं है और वो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल, वॉलेटिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वहाँ पर उसका 1,000 रुपये पर डे लॉस भी हो सकता है, और बेसिकली होता भी है रिटेल ट्रेडर्स के साथ, मैं जानता हूँ ऐसा। तो वहाँ पर उसका एवरेज कमाई क्या होगी महीने की? वहाँ पर एवरेज कमाई उसकी होगी 0। लेकिन यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर आप समझ के चलिए कि आप 1,000 रुपया ही कमाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 रुपये आप छोड़ दीजिए, अगर आप 1,000 रुपये ही कमाते हैं और वहाँ पर आपने 15 दिन, टोटल 20 दिन मार्केट ओपन होता है, और 15 दिन आपका जो स्टॉक्स के अंदर जो वॉलेटिलिटी कंट्रोल जहाँ पर रहती है, आपके हाथ में ट्रेंड होता है, तो वहाँ पर आपने 15,000 रुपया क्या कहते हैं, आपने छोटी सी अमाउंट में, आपको एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ कि आपने 15 दिन, आप 20 में से 15 दिन आप सही रहे, तो वहाँ पे आपका 1,000 रुपये के एवरेज के ऊपर 15,000 रुपये सपोज़ कीजिए वहाँ पर आपका प्रॉफिट रहा, और 5 दिन आपके लॉस भी रहा, तो आपका एवरेज जो मंथली इनकम रहेगी वो 10,000 रुपीज़ रहेगी। तो आप इस चीज़ को समझ के चलिए। हालांकि मैं उससे ज़्यादा ही कमा लेता हूँ, और मेरे ग्रुप पे जो मेंबर्स हैं वो उससे ज़्यादा ही कमा लेते हैं, बट आपको मैं छोटा सा एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टॉक्स कितना बेनिफिट दे सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपना माइंडसेट चेंज कीजिए और स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए। मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टॉक्स को रिकमेंड करता हूँ, और स्टॉक्स को रिकमेंड जो करता हूँ मैं टोटली डाटा बेसिस के ऊपर और टेक्निकल्स एनालिसिस के ऊपर, डाटा एनालिसिस के ऊपर ही हर चीज़ को वेरीफाई करने के बाद ही स्टॉक्स को रिकमेंड करता हूँ। और मैं जो भी स्टॉक रिकमेंड करता हूँ उसके अंदर खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरीफाइड स्टॉक होते हैं जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, और लोग, जो भी लोग उसमें प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं तो डेरिवेटिव्स के पीछे मत भागिए, और आप प्लीज़ कृपया करके स्टॉक्स की तरफ ध्यान जरूर दीजिए, तभी आपका प्रॉफिट रेगुलर बेसिस के ऊपर अर्न कर पाएंगे और आपका मंथली एवरेज प्रॉफिट भी मैक्सिमम निकल पाएगा। तो ये वीडियो जो थी, जो मैंने आज अभी आपको समझाया, मैंने टोटली आपको माइंडसेट चेंज करने के लिए आपकी बात कही। और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं फ़िलहाल, और अगर आप बिगनर हैं या फिर रिटेल ट्रेडर हैं, नॉट प्रोफेशनल ट्रेडर, तो प्लीज़ स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए, और स्टॉक्स की तरफ, स्टॉक रिकमेंडेशन जो मैं करता हूँ उसकी तरफ ध्यान दीजिए रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो आपका अर्निंग जो है रेगुलरली होना शुरू हो जाएगा। ये मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इसके ऊपर। तो ये वीडियो के अंदर मैंने आपको ध्यान दिलाने की कोशिश किया, आपका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश किया कि प्लीज़ डेरिवेटिव्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ और मैं स्टॉक्स के पीछे भागता हूँ, इक्विटी स्टॉक्स के अंदर सिंपल ट्रेडिंग करता हूँ, और वहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा डेली के डेली बेसिस के ऊपर लेकर मार्केट से बाहर निकलता हूँ। तो आप लोग भी अपना माइंडसेट चेंज करिए, और मैं अगली वीडियो जो होगी, इसके बाद जो वीडियो डालूंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टॉक्स रिकमेंडेशन कैसे मेरे चैनल के ऊपर मिलेगी,
और किस तरीके से आप उसके अंदर काम करेंगे और क्या क्या कंडीशंस और क्या क्या रूल्स रहेंगे, वो सारे रूल्स मैं आपको अगली वीडियो के अंदर पोस्ट करता हूँ। तो मेरा अगली वीडियो जो मैं इस वीडियो के तुरंत बाद पोस्ट करूँगा, उस वीडियो को भी प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से स्टॉक रिकमेंडेशंस काम करते हैं और किस तरीके से आप रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो वेट कीजिए मेरी अगली वीडियो का। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर मेरा जो मोटिव था आपका माइंडसेट चेंज करने का था, तो क्योंकि माइंडसेट अगर चेंज होगा तभी आप रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। धन्यवाद। वेट कीजिए मेरा अगले वीडियो का।